हाँ जी, सत श्री अकाल जी। वेलकम है जी तुहाडा अपने चैनल दीप टॉक दे विच। आई होप तुसी सारे अपने घर सेफ होवोंगे। अज आपां डिस्कस करांगे VFS दे लेटेस्ट अपडेट बारे। मेनली आपां 3 पॉइंट इहदे विच ज़्यादा डिस्कस करांगे। फर्स्ट वन इज़ पासपोर्ट सबमिशन सर्विस, वह किवें वर्क करेगी, किहड़े किहड़े उहदे विच आस्पेक्ट, वो आपां अगे डिस्कस करांगे। सैकेंड आपां गल करांगे कि किहड़ियां किहड़ियां कैटागरीज़ ने जो इहदे विच इनकलूडिड होणगीआं, किहड़ियां किहड़ियां कैटागरीज़ नूं बेनीफिट होण वाला, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने जां वर्क परमिट होल्डर्स ने जां PR एप्लीकेंट्स ने, किन्हां नूं ज़्यादा बेनीफिट होएगा उहदे बारे गल करांगे। सब तो एंड दे विच आपां गल करांगे कि VFS दी ओपनिंग डेट बारे किहड़ी किहड़ी लेटेस्ट इनफॉर्मेशन अपने कोल हैगी उहदे बारे डिस्कस करांगे। बने रहो एंड तक इस वीडियो दे नाल। मैं इस चैनल दे उत्ते कैनेडा वीज़ा लाइफ स्टाइल एंड जॉब्स दे रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स अपलोड करता रहना। जे तुहानूं इनफॉर्मेशन चंगी लगे तो तुसीं इस चैनल नूं लाइक ते सबसक्राइब कर सकते हो, बैल आइकन नूं प्रेस कर दिओ ताकि जदों भी मैं कोई नवी अपडेट पावां तां सब तो पहला नोटिफिकेशन तुहानूं मिल सके। सो आओ आपां इस वीडियो नूं शुरू करदे हां। सब तो पहला आपां गल करांगे पासपोर्ट सबमिशन सर्विस बारे। ये जिहड़ी पासपोर्ट सबमिशन सर्विस है, इहदियां जिहड़ियां ईमेल्स ने उह स्टूडेंट्स जां जिहड़े उह बाकी दे एप्लीकेंट्स ने उन्होंने आनियाँ शुरू हो चुकिया ने, जिहदे विच कि उन्होंने स्टैप बाय स्टैप सारा प्रोसीजर उन्होंने दस्सिया कि किस तरह तुसीं अपना पासपोर्ट सबमिट करना। बेसिकली इहदे विच जिहड़ी ब्लू डॉट कोरियर सर्विस कंपनी हैगी उन्होंने कोऑपरेशन नाल उन्होंने सर्विस शुरू की है। इहदे अलग तो चार्जेस उन्होंने विच मैनशन किए हुए हैं 542 और समथिंग लाइक दैट, इन्ने चार्जेस उन्होंने इनकलूड किए हैं, जिहदे विच कि 2-वे कोरियर सर्विस उन्होंने स्टार्ट की है पिक एंड ड्रॉप के लिए पासपोर्ट्स से। सब तो पहला जो प्रोसैस है तुम उदों स्टार्ट करना जदों तुहानू ईमेल VFS जां कनेडियन अंबैसी हाई कमिशन तो आनी है, उस तो बाद ही प्रोसैस स्टार्ट कर सकते हो। उहदे विच एक फोन नंबर मैनशन किया होगा जिस के थ्रू तुम अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, तो जदों भी तुम अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो सारा प्रोसीजर समझा देंगे किस तरह तुम अपना जिहड़ा पासपोर्ट है सबमिट कर सकते हो, तो किदा तुहानू जिहड़ा तुहाडा गिवन एड्रैस है उसके उत्ते तुहानू पासपोर्ट सेंड किया जाएगा हाई कमिशन वालों। सो ये इनफॉर्मेशन सी पासपोर्ट सबमिशन सर्विस बारे। नैक्सट आपां गल कर देंगे किहड़ियां कैटेगरीज इहदे विच इनकलूडिड ने। ये समझ सकते हैं कि पासपोर्ट सबमिट सिर्फ उन्होंने कैंडीडेट्स ही होंगे जिन्हों का वीज़ा अप्रूव हो चुका या जिन्हों के स्टडी परमिट या वर्क परमिट अप्रूव हो चुके हैं, जस्ट उन्हों का स्टिकर वीज़ा पेंडिंग है। जिमें कि मैं पहली वीडियो दे विच एक गल की थी कि किहड़े-किहड़े कैंडीडेट्स नूं बेनीफिट होने वाला, तुसीं आई बटन दे विच जाके वो वीडियो भी चैक कर सकते हो, मैं लिंक वह आई बटन दे विच पा दूंगा। जिहड़े-जिहड़े कैंडीडेट्स वो भावें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होन, वर्क परमिट होल्डरस होन जां ओपन वर्क परमिट होल्डरस होन, PR एप्लीकेंट्स होने जिन्हां दे COPR पेंडिंग है बट उन्हां दा जिहड़े परमिट्स ने अप्रूव हो चुके हैं, उन्हां दे लई इह सर्विस शुरू की हुई है। क्योंकि आपां नूं इह समझ लेना चाहिए कि जिहड़ी कैनेडियन गवर्नमेंट है जां हाई कमिशन है वह सब तो पहला जिहड़ा उन्हां दा बैकलॉग है उन्होंने क्लीयर करन दी कोशिश कर रहे हैं, तां कि जिन्हां ने सब तो पहला वीज़ा अप्लाई किया सी उन्हां नूं क्लीयर कर सकन। उन्हां तों हुण उन्होंने पासपोर्ट सबमिशन की मंग की है जिन्हों का वीज़ा पहला अप्रूव हो चुकिया। सो दोस्तों आपां नूं चंगी तरह समझनी पवेगी कि जिहड़ी कनेडियन गवर्नमेंट है जां कनेडियन हाई कमिशन है वह किस तरह वर्क कर रहा। आपां ओबियसली इस तों अंदाज़ा ला सकते हैं कि जिवें दा भी ट्रेंड चल रहा इमीग्रेशन दे रिगार्डिंग, आपां उस तों इह अंदाज़ा ला सकते हैं जिवें कि सब तो पहला उन्होंने जिहड़े उन्होंने PR होल्डर एप्लीकेंट सीगे जां PR होल्डर सीगे जां कनेडियन सिटीजन सी वो इंडिया विच COVID-19 के थ्रू फसे हुए थे, सब तो पहला उन्होंने कढ़ने की कोशिश की उत्थों उन्होंने प्रैफरेंस दी। उस तो बाद उन्होंने प्रैफरेंस उन्होंने दी आ जिन्हों के वीज़ा पहला ग्रांट हो चुके हैं, जस्ट उन्होंने पासपोर्ट सबमिशन ने जी कह सकते हो कि उन्होंने जोड़े पासपोर्ट स्टिकर वीज़ाज ने सिर्फ वो पेंडिंग ने। उन्होंने VFS के हमने सर्विस शुरू की है पासपोर्ट सबमिशन सर्विस, ये सिर्फ उन्होंने लिए है जिन्हों का वीज़ा पहला अप्रूव हो चुके उन्होंने जिन्हें स्टडी परमिट या वर्क परमिट या COPR जी कि आप PR भी कह दें वो अप्रूव हो चुकी है, जस्ट उन्हों का वीज़ा पेंडिंग है। पासपोर्ट सबमिशन सर्विस के थ्रू क्लीयर करन की कोशिश की है ता कि वो राइट अवे फ्लाई कर सकन। तो आप इस तों अंदाज़ा ला सकते हैं कि जिहड़ा उन्हों का नैक्सट स्टैप होएगा वह की होएगा।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਆਰ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ VFS ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਣ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।